हेलो। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग रजनी जी। प्लीज गिव मी 5 मिनट। सर, हाँ हाँ बोलिए। देखिए, ये हमें क्या नोटिस सुनने को मिल रहा है सर कि आपका केस डिसाइड हो गया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी, जितनी भी वैकेंसी का अनफिल्ड है वो सब के सब भरी जाएगी। बट सर, हमें ये सुनने में आ रहा है कि ये नंबर बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। नंबर बेसिस से बनेगा रत्नेश। बट सर, हम लोगों का प्रायोरिटी क्या होगा? जो केस किया है उनका किसी का थी? देखिए, केस केस करने से कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती। तो बट सर, हमें लड़ने का क्या फायदा? बिल्कुल, लड़ने का ये फायदा हुआ है कि सबके लिए रास्ता खोल दिया। बट सर, वाई नॉट? वही वो बात है ना कि सर, हमारा क्या फायदा होगा अगर किसी का, हमारा अगर 3 नंबर कम है? हमने मेहनत किया, हमने केस किया, हमने उस केस को उजागर किया, और बेनिफिट किसी और को मिल जाए तो फिर हमें लड़ने से क्या फायदा सर? वाई नॉट? डेफिनेटली ऐसे ही होता है। सर्विस मैटर्स में यही होता है। सर्विस बिकॉज मैटर्स में आपके सिलेक्शन की डायरेक्शन नहीं दे सकता कोर्ट। कोर्ट ये देता है कि सिलेक्शन ऑन मेरिट होना चाहिए। बट सिलेक्शन ऑन मेरिट, फिर हम मतलब क्या करें सर? हमें भी तो कुछ रास्ता मिलना चाहिए ना। आई वॉन्ट कि नहीं हमने नहीं 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 आपका नंबर कितने हैं आपके? तीन हमारे 3 नंबर कम है। नंबर कम है तो मेरिट लिस्ट बन रही है ना, हो सकता है आपका नंबर आ जाए उसमें। बट सर, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका 3-4 नंबर कम है, जो हम लोग साथ में इन्वॉल्व होके केस किए हैं और साथ में प्रदर्शन भी किए थे, धरना भी साथ में ही किए थे। हाँ हाँ रत्नेश जी बोलिए। हाँ जी सर, ठीक। तो वही बात हो रही है सर कि मान लीजिए हमने इतना ज़्यादा मेहनत किया, सब कुछ हम लोगों ने किया, और रास्ता किसी और के लिए खुल जाए, फिर ये कहाँ की बुद्धिमानी है सर हम लोगों की? इससे अच्छा तो हम लोग भी छोड़ देते ना सर। बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है आप लोगों की। हाँ आप लोगों की बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। उन लोगों की बहुत ज्यादा बुद्धिमानी है घर बैठे बैठे ही, जिनके नंबर पॉइंट मार्जिन पे रह गए थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उन्होंने केस भी नहीं किया। सर, फर्स्ट अब ऑफ जिनके नंबर तीन तीन चार चार कम है, पांच पांच कम है, उन लोगों ने केस किया जी, और उनका कहना ये था कि जी हम मार्जिनल नंबर से रह गए हैं, अगर ये सीटें दोबारा भर दी जाएं मेरिट लिस्ट तो हमारा नंबर आ सकता है, ये कंटेंशन है सबकी। ओके। बट ठीक सर, है, हम भी अपना यही कहेंगे कोर्ट से। अब मेरी बात सुन लो, जी सर। हम भी कोर्ट से यही कहेंगे। तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट ये कहेगा ठीक है, देखते हैं। तो सारा ऑर्डर मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, 24 पेज का ऑर्डर है, जिसमें साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार की जाए और जितनी भी पोस्टें बची हुई हैं वो सबके सब फिल किया जाए। कास्ट के आधार पर और डोमिसाइल के आधार पर फिलअप की जाए, क्षेत्र के आधार पर फिलअप की जाए, और उसी प्रक्रिया से फिलअप की जाए जो प्रक्रिया ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। एडवर्टाइजमेंट में प्रक्रिया ये दी गई है कि आपकी मेरिट लिस्ट बनती है क्षेत्र वाइज, स्टेट वाइज। उस मेरिट लिस्ट में जो लोग फॉल करते हैं, अब कहीं कहीं तो कंप्लीट हो गई हैं भर्तियां, जी बिल्कुल। बिल्कुल कोई भी वैकेंसी बाकी नहीं है, तो उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी नहीं। अब जिनकी वैकेंसी जिस इलाके की बाकी है उनको वहां पर लिया जाएगा, एक सवाल। दूसरी बात, जो 10% सिलेक्शन उसका था, एक्सरसाइज एक मिनट सर, होल्ड करना, ओके सर। एक्सरसाइज ये एक साथ ही और भी जुड़ गए हैं आपके साथ। अभी फोन आते रहेंगे ना तो मैं सभी को जोड़ता रहूंगा। हाँ, ओके सर। तो जो एक्स सर्विसमैन वाला कोटा है, अगर वो रह गया है 10% उसी कैटेगरी का, सपोज दैट एससी एसटी कैटेगरी से है या ओबीसी कैटेगरी से है सर्विसमैन, और केरला का है सपोज, तो केरला के एससी कैंडिडेट से ही वो सीट भरी जाएगी। ठीक है, अच्छा, आदेश बिल्कुल ये हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर लीगल आदेश है ये जो कोर्ट का है। इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार होगी। अब होता क्या है इन केसों में कि जितने भी पेटिशनर्स हैं सबको रिजल्ट देखना होता है, कहाँ तक किस किसकी मेरिट लिस्ट जा रही है। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको अपनी मेरिट लिस्ट वो बनानी है। ठीक है, आप इनकी साइट पर रिजल्ट आ जाएगा दोबारा से। साइट पर रिजल्ट आने के बाद फिर
फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी, वो बुलाएंगे, कॉल लेटर देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, जैसे पहले हुआ है। ओके, जो बच्चे नहीं आएंगे नेक्स्ट टू दैट कैंडिडेट कॉल किया जाएगा। ओके, ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम पे वेटिंग लिस्ट भी तैयार नहीं हुई थी। जी, वेटिंग लिस्ट तैयार होने का स्वभाव कोई सवाल पैदा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो वैकेंसी जनरल लेवल से ही बची हुई थी, 10,000 बची हुई है, तो वेटिंग लिस्ट का फुलफिल ही नहीं हुई है। जी बिल्कुल, तो वेटिंग लिस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो ऑर्डर अब आया है कोर्ट का, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन एंड ज्यूरिडिक्शन, यानी क्षेत्र, ओके, डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल एंड कास्ट रीजन। इसमें सवाल आपका ये आता है, अब सवाल ये आता है जी हमारा क्या फायदा हुआ, हमने केस किया था। ओके, लेकिन केस करने वाले का नंबर यदि मान लीजिए 5 कम है सपोज, तो इनडायरेक्टली सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा उसका। नो, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली उसका सिलेक्शन कर दिया फिर तो मामला खराब ही हो जाएगा बिल्कुल। फिर प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ रही, इक्वलिटी कहाँ रही? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ओके, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पोस्ट, ठीक है, ओके, उसी तरीके से सिलेक्शन होगा और कोई दूसरा माध्यम है नहीं। 4 हफ्ते का टाइम दिया है गवर्नमेंट को, 4 हफ्ते में ये अपनी रिवाइज करके मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे इमिडिएटली, और जिस जिसका जो जो नंबर आ रहा है जहां भी फॉल कर रहा है, सपोज दैट के अभी तानिया जी के नंबर रह जाते हैं 3 कम, ओके, और वोमेन में है और 10 लोग निकले, 10 पोस्ट हैं, और 10 में से किसी का 2.5 नंबर पे है, किसी का 2 नंबर पे है, उनमें से 2 लोग आए नहीं, सपोज दैट, तो सानिया जी का नंबर आ सकता है। सर उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा कि सेकंड लोग अगर 2 लोग नहीं आते हैं तो हमारा नंबर आएगा, बट डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा सर, वो क्लियर करेंगे इस बात को। एक लिमिटेड टाइम दिया है ना उनको, 4 वीक्स का टाइम दिया है, 4 हफ्ते के अंदर अंदर वो चीजों को पूरा करेंगे। बट मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि जब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गए, हम लोग आए थे, तो आपने हमें यही बताया था कि जो भी आगे की सुनवाई होगी या कार्रवाई होगी या जो भी रिजल्ट हमें निकलेगा, आउटपुट होगा, उसमें सबसे पहले बेनिफिशियल उन्हीं को होगा जिन्होंने कोर्ट केस किया है, चाहे उनका नंबर कितना भी हो, डोंट मैटर इन दिस नंबर की मतलब उसका नंबर कितना है, उनको बेनिफिशियल प्रॉफिट उन्हीं को होगा जो हमारे पास केस किए हैं, हम उन्हीं के बेसिस पे उनसे मतलब कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। फिर आज ये सर स्टेटमेंट क्यों चेंज हो रहा है, व्हाई आर चेंज दिस स्टेटमेंट? मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास तो 50 नंबर वाला आ जाए, नहीं सर, और मेरिट लिस्ट तैयार नहीं है उसकी, सुनो, और कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं पेटिशनर्स नहीं मेरिट पे बनेगी लिस्ट, कोर्ट 2 तरीके से ऑर्डर कर सकता है। एक तो ये कह सकता है कि पेटिशनर्स को कंसीडर किया जाए, ओके, बहुत से केसों में ऐसा होता है जब हम ये डायरेक्शन लेते हैं सर्विस मैटर्स में कि पेटिशनर शुड बी कंसीडर, बात खत्म हो गई, ओके, ठीक है, तो वहाँ पेटिशनर को कंसीडर करता है डिपार्टमेंट सर। तो हम लोगों ने भी यहाँ क्या हुआ है जी, यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, लैकुना बहुत बड़े हैं, और केवल हमारी रेट नहीं है, रेट लगभग 6-7 रेट है और थी जी, 740 के आसपास टोटल कैंडिडेट हैं शायद जिन्होंने केस किया। अब उस सिचुएशन में मेरिट लिस्ट को तैयार करना कोर्ट ने उचित समझा, ओके, तो कोर्ट ने मेरिट लिस्ट तैयार करने की डायरेक्शन इसमें दे दी। सर हमारा जो बेसिक आर्ग्यूमेंट था हमारी टीम की तरफ से वो यही था कि पेटिशनर्स को बेनिफिट मिले, लेकिन कोर्ट ने दरकिनार किया और ये कहा कि नहीं, अगर हम पेटिशनर्स को ऐसे पिक एंड चूज करेंगे तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा जी। अगर हाँ जनरली क्या होता है, जैसे 2-4 पोस्टें हैं, जब हम केस डालते हैं 2-4 पोस्टें हैं, 2-4 कैंडिडेट हैं, तो उसमें हो जाता है, पेटिशनर को फायदा मिलता है सीधा सीधा, लेकिन इस केस में क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो मेरिट लिस्ट अभी मान लीजिए अगर पेटिशनर्स की बात करते हैं हम, ये तो फिर अनफिल रह जाती है।